जब देश में थी दीवाली, वो खेल रहे थे होली। जब जवान सीमा पर गोली खा रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्री जश्न मना रहे थे। अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथों से खुद पर पुष्प वर्षा करा रहे थे। जनता को बतला रहे थे कि जनता तो मूर्ख है, 2019 में पुलवामा के नाम पर वोट दे दिया, 2024 में G20 के नाम पर वोट दे ही देगी, फिर असल मुद्दों को उठाने का क्या ही फायदा है। नमस्कार, मैं अभिनव कुमार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना और जम्मू कश्मीर के पुलिस अफसर शहीद हो गए। 19 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग अफसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोन और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी रहे हुमायूं भट्ट की शहादत हुई है। घटना बुधवार सुबह की है। अखबारों में छपी खबर के अनुसार अनंतनाग के गारोल इलाके में आतंकियों के खिलाफ अभियान मंगलवार शाम को शुरू हुआ था, लेकिन रात होने पर इसे रोक दिया गया था। अगले दिन सुबह यानी बुधवार को फिर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जहां आतंकियों ने सेना और पुलिस के अधिकारियों को घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घटना को 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, मगर अब तक इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं कल शाम को नई दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में G20 की सफल मेजबानी करने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ या खुद करवाया गया ये पता नहीं। पुष्प वर्षा भी हुई। कार्यक्रम की वीडियो देख समझ ही नहीं आ रहा था कि G20 की मेजबानी भारत ने की है या मोदी ने की है। सुबह जवानों की शहादत होती है, शाम को सत्ता जश्न में डूबी हुई नजर आती है। पीएमओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हमले के बारे में एक ट्वीट तक नहीं आता है। जनसत्ता अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े एक कार्यक्रम के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में ही मौजूद थे। हमने उनका भी आधिकारिक ट्विटर हैंडल खंगाला, इस मामले में उनका भी अब तक कोई संदेश नहीं आया है। शाम को राजनाथ सिंह बीजेपी के हेडक्वार्टर में मौजूद थे। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी शूटिंग में व्यस्त थे। हाल ही में इस हमले में मोदी की संदिग्ध भूमिका पर जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। मोदी इस पर कोई जवाब नहीं दे सके थे। हमारा सवाल है कि इस जश्न को रद्द नहीं किया जा सकता था? क्या जश्न इतना जरूरी था? शोक के माहौल में भी ये जश्न प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता को ही दर्शाता है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आप देख रहे थे मॉलिटिक्स। नमस्कार।